नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अतुल पाटिल, हार्ट स्पेशलिस्ट। आप जैसे जानते हैं कि भारत एक डायबिटीज की कैपिटल है वर्ल्ड में, उसी तरह हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन, इसके बारे में जल्दी ही भारत हाइपरटेंशन की कैपिटल हो जाएगी। तो जानते हैं हाइपरटेंशन या हाई बीपी को डायग्नोसिस कैसे करते हैं। इस बीमारी का निदान या डायग्नोसिस बहुत ही आसान रहता है। इसके लिए आपको सिर्फ आपके पास वाले डॉक्टर के पास जाके ब्लड प्रेशर चेक करने के मशीन से, जिसको मेडिकल लैंग्वेज में स्पिग्मोमैनोमीटर बोलते हैं, उससे ब्लड प्रेशर चेक करवाना जरूरी होता है। नॉर्मल आदमी में ब्लड प्रेशर 120/80 यानी सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक 80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी से नीचे होना जरूरी है। तो इस वीडियो में हम और जानेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड प्रेशर एपरेटस, कि कौन कौन से ब्लड प्रेशर एपरेटस की मदद से अपन ब्लड प्रेशर कंट्रोल करवा सकते। तो मुख्यत्वे उसके तीन टाइप्स रहते हैं। फर्स्ट है मर्क्यूरी स्पिग्मोमैनोमीटर, द सेकंड इज एनोराइड स्पिग्मोमैनोमीटर, और थर्ड है ऑसिलोमेट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक ब्लड प्रेशर एपरेटस। तो चलो देखते हैं पहले टाइप के बारे में, जिसे बोलते हैं मर्क्यूरी स्पिग्मोमैनोमीटर। इसे कहते हैं मर्क्यूरी स्पिग्मोमैनोमीटर या मर्क्यूरी से चलने वाला ब्लड प्रेशर एपरेटस, जिसके तीन पार्ट रहते हैं। एक है कफ, जो पेशेंट के हाथ पे बांधा जाता है, ये है पंप, और ये है रीडिंग के लिए कॉलम। जैसे इसके नाम में लिखा है मर्क्यूरी स्पिग्मोमैनोमीटर, इसमें मर्क्यूरी यानी पारा, इस धातु का यूज करके ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग किया जाता है। लेकिन अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और अदर ऑर्गेनाइजेशन की सलाह से, क्योंकि मर्क्यूरी एक पॉइजनस धातु रहता है, इसलिए इसका यूज अभी कम से कम हो रहा है। और उसके जगह पे अभी सेम लेकिन एलईडी का यूज करके ब्लड प्रेशर एपरेटस बनाए जाते हैं। तो आप कभी भी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको एक तो मर्क्यूरी स्पिग्मोमैनोमीटर और एलईडी पैटर्न में चलने वाले मर्क्यूरी फ्री स्पिग्मोमैनोमीटर दिखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स, जो दूसरा टाइप अपने को दिखने को मिलता है वो है एनोरॉइड ब्लड प्रेशर एपरेटस, जिसमें पंप और कफ तो सेम रहता है, लेकिन और एक सर्क्यूलर डिस्क रहती है, जिसपे जैसे भी डॉक्टर इसमें प्रेशर भरते हैं, ये रॉड आगे जाके आपको कितना ब्लड प्रेशर है उसके बारे में जानकारी देता है। जैसे मैंने बताया कि मर्क्यूरी स्पिग्मोमैनोमीटर और एनेरॉइड मर्क्यूरी मैनोमीटर, इसके लिए आपको ट्रेनिंग लेना जरूरी रहता है, स्टेथोस्कोप का यूज करना पड़ता है, और यूजुअली डॉक्टर के मदद से ही आप ब्लड प्रेशर चेक करवा सकते हैं। ये दोनों घर पे यूज करना इतना आसान रहता नहीं, और हम रिकमेंड भी नहीं करते, क्योंकि एरर्स होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। दोस्तों, ये दोनों ब्लड प्रेशर एपरेटस के जो लिमिटेशंस है उसको ओवरकम करने के लिए ही लास्ट 5-6 ईयर्स में जो नए ब्लड प्रेशर एपरेटस मार्केट में आए हैं, उनको एसिलोमेट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक ब्लड प्रेशर मॉनिटर्स कहते हैं। उसमें भी एक कफ रहता है और उसमें हवा भरने के लिए इस मशीन में कंप्रेसर रहता है, जो इस कफ में हवा भरता है, और एसिलोमेट्रिक प्रिंसिपल के ऊपर ये ब्लड प्रेशर मॉनिटर करवाता है। और यहाँ पे डिस्प्ले पे आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर अपने को दिखता है। इसके सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट है, इसके लिए कोई ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं, डॉक्टर या नर्स पास रहने की जरूरत नहीं, ये कोई भी आदमी अपने घर पे खुद के खुद ब्लड प्रेशर मॉनिटर करवा सकता है और उसके रिकॉर्डिंग ले सकता है। ये यूज करने के लिए बहुत आसान रहता है। यहाँ पे बहुत बड़े डिस्प्ले पे सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर आता है, जो सीनियर सिटीजन के लिए भी बहुत आसानी रहती है। इन सब खूबियों के वजह से आज दुनिया में सब तरफ डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स और इंस्टीट्यूट्स भी होम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक ब्लड प्रेशर मशीन्स को रेकमेंड करते हैं। तो दोस्तों, ये सब देखने के बाद मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि जब आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर ऑब्वियसली मर्क्यूरी या मर्क्यूरी फ्री स्पिग्मोमैनोमीटर यूज करते हैं, लेकिन अगर आपको घर पे ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करना है या डायग्नोसिस है कि नहीं उसके बारे में पता चलवाना है, तो इलेक्ट्रॉनिक ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग मशीन के मदद से आप ये करवा सकते हैं। इस होम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, जिसको HPBM बोलते हैं, उसकी ज़्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारा ऐप जो लिव 100 ईयर्स इस नाम से है, ये डाउनलोड करके और ज़्यादा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू।